हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं या 0 से 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट घर बैठे करवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं है या पहले से ही अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको आधार सेंटर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, उसके बाद आप आधार सेंटर जाके आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब घर बैठे आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरीके से आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। तो आइए प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सिंपल से प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट पेज के ऊपर जाना होगा जहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। इस लिंक को मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली यहां तक पहुंच पाए। इसके अंदर बहुत ही सिंपल से स्टेप है। यहां पे आपने नाम डालना है, यहां पे एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपने आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है IPP आधार सर्विसेज, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपने अपना आधार कार्ड नया बनवाना है, जिन बच्चों की एज 0 से 5 साल की है उनका आधार एनरोलमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक आपको रिक्वेस्ट OTP करना है, तो आपके पास OTP आ जाएगा। OTP डालते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद जो आपको ये रेफरेंस नंबर मिला है इसको आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका रेफरेंस नंबर है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर डालिए और इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आपके पास सर्विस देने के लिए एक पर्सन आएगा बायोमेट्रिक मशीन लेके, जो आपका घर बैठे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा, या जिनका 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं जिनका अपने आधार कार्ड का एनरोलमेंट करना है वो आप घर बैठे करवा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप था, इसको आप घर बैठे कभी कहीं पे भी करवा सकते हैं। इसके लिए अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।